आपकी स्किन को ग्लोइंग और यूथफुल रखने के लिए मैं आपको इस वीडियो में तीन चीजें बताऊंगा राइट right? सबसे पहली चीज हम आपको ये बताते कि किन वजह से आपकी स्किन ग्लो नहीं करती और किस वजह से काफी लोगों की स्किन डल लगती है द फर्स्ट थिंग एक्चुअली इज वॉटर आपने देखा होगा जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं एक्ट्रेसेज होते हैं जो भी स्किन केयर में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनके पास हमेशा पानी की बॉटल पानी का जग पानी का जार हमेशा रहता है आपकी स्किन जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी आप जितने ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे योर स्किन इज गो नो लुक सो मच बेटर अब इसका मतलब ये नहीं किया बहुत ज्यादा पानी पिए बहुत ज्यादा पानी पीने से भी लोचा होता है बिकॉज आपकी जो मिनरल्स और वाइटमिन है आपकी बॉडी से निकल जाते हैं यू डॉट हैव टू मच वॉटर बट ऐसा भी नहीं कि कम पानी पियो बट मेक शोर योर एडिक्विटली हाइड्रेटेड तो दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स दिन में खाते हैं दैट इज़ फैंटेस्टिक फॉर योर स्किन बिकॉज आपकी स्किन इज़ अ नेचुरल वे फॉर योर बॉडी टू एक्सप्रेस कि आपकी हेल्थ कैसी है तो अगर आपके डाइट में रोज़ की एक फल एटलीस्ट और थोड़ी सी हरी सब्जियाँ और थोड़े से नट्स हैं यानी कि बादाम वॉलनट्स थीज़ है आपकी स्किन इज़ लुक लोग समझ बैठा जो तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की स्किन बुरी लगती है वो है स्मोकिंग आई हैव नेवर बीन अ स्मोकर ना मैं स्मोक करता हूँ ना मैं मैकोल पीता हूँ उसकी शायद एक वजह होगी जैसे कि मैं मैं अपनी एज कभी बोलता नहीं हूँ और जाके गूगल मत करना पर जो लोग मेरे को जानते थे लाइक लाइक टू हाउ डू यू लुक लाइक नॉट योर एज नॉट स्मोकिंग एंड नॉट ड्रिंकिंग इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ इट नाउ एंटी एजिंग इज अ वेरी बिग थिंग और राइट एंटी एजिंग का मतलब क्या है अक्सर लोग सोचते हैं एंटी एजिंग का मतलब है कि अगर आप ऑलरेडी आपकी एज थर्टी फाइव फोर्टी तक होगी उसके बाद आप एंटी एजिंग यूज करोगे दैट्स नॉट द केस फॉर मोस्ट पीपल एंटी एजिंग आपको बिगिन करना चाहिए जब आप 24-25 साल के हो जाए तब से आपको फोटो एजिंग फोटो एजिंग यानी कि फोटो यानी कि लाइट एजिंग यानी कि एजिंग फोटो एजिंग यानी कि जो सूरज की वजह से आपकी स्किन एज होती है उसको स्टॉप करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वाइटमिन सी ना वाइटमिन सी सीरम्स मार्केट में एंटी एजिंग के लिए इसलिए बेचे जाते हैं बहुत ज्यादा बिकॉज वाइटमिन सी यानी कि एस्कोबिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है यंग रखता है एक जो वाइटमिन सी आपको जो एक नरिशमेंट आपकी स्किन को देती है उससे जो एजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा

मेक शोर इड अवाइटमिन सी सीरामोनियो फेस होके लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है मैक्चली आपको दिखा देता हूँ फिलहाल भी यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्लैट ऑफ होके आई वॉट यू टू बाई दिस हमने इतना बड़ा डिस्काउंट इस तरह लगा अक्सर लोग बताते हैं लो यार बड़े महंगे प्रोडक्ट्स सच में हैं भी आपको 25% परसेंट फिलहाल ऑफ में इज नो रो 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 रीजन टू नोट ट्राई तो काफी लोगों ने दो तीन बॉटल्स ले ली है वो अपना स्टॉक करें वाइटमिन सी सरम आप जो फेस पर लगाते हैं बेसिकली ना हेअर्स वॉट यू नी टू अंडरस्टैंड काफी लोग सोचेंगे आपको लगा के एकदम फेस पर ग्लो आएगा नहीं वाइटामिन सी सीरम एंटी एजिंग है या आप इसको जब लगाओगे तीन चार महीने के लिए फिर आपके स्किन पर जो परमानेंट ग्लो लाएगा दट इज बोनिंग गो फॉर राइट तो इट वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं कि आपने वाइटमिन सी सीम लगा दिया और कल से आप चमक ले जाओगे नो ये आपकी एजिंग को प्रिवेंट कर रहा है ये आपके रिंकल्स को प्रिवेंट कर रहा है यह फोटो डैमेज को प्रिवेंट कर रहा है राइट तो यह हो गई हमारा प्रिवेंशन इसको अच्छे से मस्त से अपने स्किन में मेंब्सॉर्व कर दिया इसके ऊपर वह फाउंडेशन बेस बीबी लगा सकते हो ये तो प्रिवेंशन की बात फिलहाल अगर आप अपनी स्किन को ब्राइट करना चाहते हो उसके वह इसका जो सो सेंसिटिव वाटर क्रीम है एक कॉलोजिन इंड्यूसिंग वाटर क्रीम है एक फेस मॉइस्चराइजर यानी कि फेस वाटर क्रीम है इसको आप जब लगाओगे ये एक्चुअली हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट था जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि वाटर क्रीम बेसिकली ये इसलिए ये आप जब लगाओगे ये आपको दो तीन दिन में इफेक्ट होने लग जाएगा राइट तो आपने जब एंटी एजिंग सीरम लगा दिया उसके बाद आप एक दो मिनट के लिए रुक जाओ फिर आप इसको लगा सकते हो ना आई एक्चुअली रेकमेंड ये आप सिर्फ रात को लगाइए दिन में आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा धूप धूप में जाने वाले तो आप सनस्क्रीन यूज करना और आई डोंट यूज दिस पर इसको आप रात को अगर लगाने लग जाओगे आप इसको जो पांच छह दिन के लिए यूज करने लग जाओगे यूज सेट सिंग ग्लो ने फेस इमीडिएटली क्यों क्योंकि तो इसमें कॉलेजन बूस्टर्स हैं कॉलेजन यानी कि जो आपके स्किन का जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है उसमें सबसे ज्यादा वो है और उसके बाद इसका सो सेंसर वाटर क्रीम ये भी मतलब सारी चीजें आप जब एड करोगे सर्माफिन पर यू गेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ और विच इज ग्रेट फॉर यू और जो लास्ट चीज़ है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ एंटी एजिंग के विच इज वेरी 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 इम्पोर्टें इज योर आइज डार्क सर्कल्स और अंडर आई से बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं सॉरी वीडियो के चक्कर में फटाफट लगा रहा हूँ बट आप दो दो तीन तीन मिनट का गैप दे देना अंडर आइस के लिए डार्क सर्कल्स के हमारे बारे इसका आयुर्वेदिक अंडर आई सीरम जिसके आप दो पंप्स दोगे इसमें पीच और ए प्रकॉर्ड है यू नो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू शॉप बिकॉज टर्माफेंड और कॉम्परी इतनी बड़ी सेल हमने कभी नहीं की है पच्चीस परसेंट ऑफ है ये फाइनल रिडक्शन है मतलब इसके बाद कोई भी चीज़ अब ज्यादा सस्ती नहीं होंगी अंडर आई सीरम को आप सिर्फ अंडर दी आए ऊपर कभी नहीं ओनली अंडर दी आई और राइट एंड यू दिस फॉर बू थ्री मिनट्स एंड यूर डन ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं स्टदमाफीन डॉट कॉम पर आपको कोड यूज करना है आई लव यू आपको चेकआउट पर पच्चीस परसेंट ऑफ मिल जाएगा कोई सवाल होंगे तो प्लीज कॉमेंट्स में लिख देना आई लव यू गायस एंड यू कैन शॉप एन स्टदमाफी डॉट कॉम बिग पुच्ची